इस वीडियो में ऐसे टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जिससे एक मेजर स्ट्रोक या पैरालिसिस प्रिवेंट हो सकता है आप में या आपके किसी परिवार वाले में या किसी चाहने वाले में। तो अगर कोई परिवार में है जैसे डायबिटीज, बीपी है या एज 60 से ज्यादा है, गलती से भी वीडियो स्किप मत करना, एंड तक बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं वो नॉन सर्जिकल है, एंजियोग्राफी से, हथेली से या थाई से हो सकती है, सो अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, कई बार जिस तरह अगर हार्ट में क्लॉट जम जाए या कोलेस्ट्रॉल जम जाए और एक हार्ट अटैक आता है या चेस्ट पेन होने लगता है, एंजाइना, उसी तरह ब्रेन में जब क्लॉट या कोलेस्ट्रॉल का चूना जमा होने लगता है तो ब्रेन स्ट्रोक्स होने लगता है। पेशेंट एक फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक है, माइनर स्ट्रोक्स है, खून पतला करने की दवाई और कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू कर देते हैं, और उसके बाद पेशेंट सोचता है कि अगर मैं आजीवन ये दवाई लेते रहूं मुझे कभी दोबारा स्ट्रोक नहीं होगा। पर इनमें से कई पेशेंट्स में दोबारा बार बार स्ट्रोक्स होते रहते हैं, और इसका कारण है कि नेक में, गर्दन में ऐसी नस जो ब्रेन की तरफ जा रही थी उसमें कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज था जो ट्रीट नहीं किया। खून पतला करने से और एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन से वो थोड़ा कंट्रोल में आया और पतला खून बहता रहा, क्लॉट नहीं हुआ, लेकिन 70-80% ब्लॉकेज के बाद फ्यूचर स्ट्रोक्स आने ही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक के बाद, स्पेशली डिपेंडिंग कि कैसा टाइप का स्ट्रोक है, एक एंजियोग्राफी की जाए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर। एंजियोग्राफी में देखा जाए कि इस तरीके की ब्लॉकेजेस तो नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा एंजियोग्राफी हथेली या थाई से पंचर लेके वायर ले जाके ही करनी है कैथ लैब में। सिंपल एक कलर अल्ट्रासाउंड से भी ये ब्लॉकेजेस डिटेक्ट की जा सकती है, जिसे कहते हैं कैरोटिड डॉपलर। और अगर उसमें शक है तो सीटी स्कैन या एमआरआई से भी ये एंजियोग्राफी की जा सकती है, जिसमें ब्लॉकेजेस पकड़ी जा सकती है। अगर ये ब्लॉकेजेस मेजर है या इन ब्लॉकेजेस में काफी सारा अल्सरेशन है और पता है कि इससे टुकड़ा टूट के और ब्लॉकेजेस कर सकते हैं ब्रेन में, तो फिर आपको एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना है और वो ये ब्लॉकेजेस का कंप्लीट इलाज कर सकते हैं ताकि फ्यूचर स्ट्रोक ना आए। तो ये जो नस है गर्दन में राइट और लेफ्ट साइड पे जो ब्रेन के आगे के हिस्सों को सप्लाई करती है, इन्हें कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड की आर्टरी या नस जो ब्लड सप्लाई कर रही है। इसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए और वो रास्ते को तंग कर दे तो उसे कहते हैं कैरोटिड स्टेनोसिस, एंड ये ट्रीटमेंट को कहते हैं कैरोटिड स्टेंटिंग। सो कैरोटिड में जब भी कोलेस्ट्रॉल जम जाए कैरोटिड नस में, आर्टरी में, तो दो तरीकों से ट्रीटमेंट हो सकता है। या तो ओपन सर्जरी, चीरा देके वो पूरा कोलेस्ट्रॉल निकाला जा सकता है, फिर वो वेसल को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं पैच करके, जिससे बोलते हैं कैरोटिड एंड आर्टरेक्टॉमी। पर अब इतना आधुनिक इलाज है, थाई से या रिश से, हथेली से जाकर एक छोटी सी पतली सी वायर ले जाके बलून से ये रास्ते को चौड़ा किया जाता है और फिर एक स्टेंट डाल दिया जाता है। जितने भी अच्छे सेंटर्स हैं वहाँ पे ये प्रोसीजर एक प्रोटेक्शन डिवाइस के द्वारा किया जाता है, यानी कि वायर पे पहले एक छोटा सा डिवाइस ले जाया जाता है ब्रेन में और उसे खोल दिया जाता है जो एक उल्टी छतरी की तरह है, ताकि जब हम स्टेंटिंग कर रहे हैं और अगर उस दौरान कोई छोटा सा भी टुकड़ा उड़ जाए ब्रेन की तरफ तो वो छतरी उसे पकड़ ले और एंड में उसे पैक करके वापस ले लिया जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसीजर है ये और हथेली से कर सकता है। किन पेशेंट्स में ये करना चाहिए? पहला, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डॉपलर पे, कलर अल्ट्रासाउंड पे ऐसा आया है कि ब्लॉकेज 70% से भी ज़्यादा है, या फिर MRI या कुछ आधुनिक इन्वेस्टिगेशन है जैसे ट्रांसक्रेनियल डॉपलर, उन पे दिख रहा है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक है इससे छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं ब्रेन में, अभी तक उसका असर नहीं आया पर आ सकता है। सेकेंड, जिसे एक स्ट्रोक आया है, बाद में जब एंजियोग्राफी किया स्ट्रोक का पता करने के लिए तो देखा कि ब्लॉकेज है 50% के ऊपर, या फिर जो प्लाक है वो थोड़ा इरेगुलर है, उसमें अल्सरेशन है, वो टूट के उड़ सकता है, ऐसे में ज़रूर स्टेंटिंग करना चाहिए ताकि दोबारा स्ट्रोक ना आए, स्पेशली अगर ब्लॉकेज बड़ा है या फिर इरेगुलर है। ऑफकोर्स बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसका हेल्प ले सकते हैं ये डिसीजंस में। एक है वेसल वॉल इमेजिंग या फिर प्लाक इमेजिंग, जिसपे MRI के बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि कितना चांस है कि ये प्लाक टूट के जाएगा। एक है ट्रांसक्रेनियल डॉपलर या कलर अल्ट्रासाउंड ब्रेन का। ब्रेन में हड्डी के बीच में से भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे आँख के ऊपर, कान के पीछे, जहाँ से ब्रेन के अंदर की नसों को स्टडी किया जा सकता है देखने के लिए कि कोई नए थक्के तो नहीं आ रहे। सो ये सारे टेक्नोलॉजी के बेस पे डिसाइड किया जाता है एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा कि क्या ये पेशेंट को कैरोटिड स्टेंटिंग की ज़रूरत है। और अगर ये पाया जाता है कि हाँ ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है, तो आज ये स्टेंटिंग बहुत स्मूथ और बहुत ही इजीली किया जा सकता है। इस पर हम पहले भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं कैसे ये स्टेंटिंग प्रोसीजर किया जाता है, उसमें सारा एनिमेशंस वगैरह दिखाया है, तो आप एंड स्क्रीन पे जाकर वो सब देख सकते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक पे भी वीडियोज़ बनाए हैं कि कैसे ब्लॉक होने पे स्ट्रोक आता है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।